नमस्कार, मैं बॉबी झा, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। पीएम का जबरा फैन, जीत की खुशी में सीने पर चाकू से लिखा मोदी। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत की खुशी में बिहार के मोतिहारी का एक युवक ने अपने सीने पर चाकू से पीएम मोदी का नाम लिख डाला है। इस दौरान उसका काफी खून भी बह गया। मोदी के इस फैन को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। पीएम मोदी के इस जबरा फैन की पहचान सोनू पटेल के रूप में हुई है। वह मोतिहारी के तुरकोलिया इलाके का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि 23 मई को जब लोकसभा चुनाव परिणाम के शुरुआती रुझान आने शुरू हुए तो सोनू पटेल ने वहां मौजूद लोगों को मिठाई खिलाई। इसके बाद उसने चाकू से अपने सीने पर मोदी लिख डाला। इस दौरान उसका काफी खून बह गया। मोदी नाम लिखने के बाद सोनू ने कहा कि नरेंद्र मोदी भारत के भविष्य हैं। जब मोदी देश के लिए बलिदान को तैयार है तो मैं भी उनके लिए अपना जीवन बलिदान करने को तैयार हूँ। मोदी मेरे लिए भगवान है। बंगाल नतीजों से दुखी ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर ये लिखा। बीजेपी ने प्रचंड बहुमत 303 सीट के साथ 2019 के लोकसभा चुनाव जीत लिया है। खास तौर पर पश्चिम बंगाल के नतीजों ने सबको चौंका दिया है। 2014 के मुकाबले इस बार बीजेपी के आश्चर्यजनक प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्विटर पर एक कविता पोस्ट कर अपना दुख व्यतीत किया है। कविता का शीर्षक है आई डोंट एग्री, यानी कि मैं सहमत नहीं हूँ। हिंदी, अंग्रेजी और बंगाली में लिखी इस कविता ने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि वो सांप्रदायिकता और धार्मिक आक्रामकता के बेचने पर यकीन नहीं रखती है। भले ही उन्होंने किसी का नाम नहीं लिखा, लेकिन उनका इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की ओर था। ममता पीएम और शाह पर बार बार धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण करने के आरोप लगाती रही। राहुल गांधी ने की पद छोड़ने की पेशकश, सीट बीओसी सदस्य ने रोका। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस में जबरदस्त उथल पुथल मची हुई है। कांग्रेस ने इस हार की समीक्षा के लिए शनिवार को सीट बीओसी की बैठक बुलाई गई है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की पेशकश की है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक पूरी सीट बीओसी ने राहुल गांधी को इस्तीफा न देने के लिए मनाया है। जानकारी के अनुसार ऐसी जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों ने राहुल गांधी को इस्तीफा देने से मना किया। इसके अलावा प्रियंका गांधी और मनमोहन सिंह ने भी राहुल को समझने की कोशिश की। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की, लेकिन कांग्रेस कार्य समिति ने उनसे कहा कि वह यह कदम ना उठाए। मुंबई कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का बचाव किया है। निरुपम ने दो ट्वीट कर कहा, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में हमें बहादुरी के साथ चुनाव लड़ा। उन्होंने काफी मेहनत की। हमारा दुर्भाग्य रहा कि हम हार गए। उन्हें इस्तीफा क्यों देना चाहिए? नहीं, उन्हें पार्टी का नेतृत्व जारी रखना चाहिए। हम उनके नेतृत्व में लड़कर जल्द वापसी करेंगे। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।